हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केक रेसिपी ग्रीस पार्टी में। आज आप लोगों को सिखाऊंगा मैं कि पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी दो फ्लेवर मिक्स में कैसे बनेगा हमारा केक। तो हमने सिंपली ये 11-12 इंच का ये ले लिया और इसके हमने 3 लेयर भी कर लिए और बीच से हमने दो अलग अलग कट किए हैं इसको, और पहले बेस में रख लिया ताकि हमें उठाने में टूटे ना केक, इसलिए हमने पहले बेस में रख लिया। तो इसको हम अब थोड़ा सा ना वो कर लेंगे, पहले एक साइड का लेयरिंग कर लेंगे। एक साइड को हम कर लेंगे पाइनएप्पल, देखिए इस तरीके से पाइनएप्पल डाल दिया और के ऊपर हम रख लेंगे इस लेयर को, और इसी तरीके से दूसरी लेयर को भी कर लेंगे और इसमें भी पाइनएप्पल। और अब थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा हाइट के लिए लेयर वगैरह डाल देंगे। तो इसमें हम थ्रेड भी जो धागे से डिजाइन करते हैं वो भी करेंगे। आप देखिए हमारा एक साइड से केक लेयरिंग। अब हम इसको थोड़ा इसके साथ चिपका लेंगे दूसरी साइड का भी। तो एक मिनट ये देख लेंगे कि बाहर जो निकले हैं उनको बराबर कर लेंगे ताकि दूसरी साइड की लेयर रखने में दिक्कत ना आए। देखिए स्ट्रॉबेरी क्रश, और इसमें भी इसी तरीके से हम छोटे पीस डाल के थोड़ी हाइट बढ़ा लेंगे। देखिए से स्पॉन्ज काफ़ी सॉफ्ट है मेरा अभी, इसलिए आप शुगर सिरप की ज़रूरत नहीं है मेरे को। ये हमारा फाइनली लेयरिंग हो चुका है। अब हम इसकी प्रॉपर तरीके से कटिंग कर लेते हैं, बराबर कटिंग। वैसे काफ़ी लोग पूछते थे कि नाइफ़ कौन सी यूज़ करते हो, ये चाइनीज़ नाइफ़ आती है, 250-250 के आसपास आ जाती है ये नाइफ़। ये कटिंग करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ एक वीडियो सारे कुछ टूल वगैरह आप लोगों को दिखाने की, तो जब भी होता है मेरे से आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी दिखाऊं। और आप बने रहें वीडियो में, आप देखते रहना कि किस तरह का डिज़ाइन हम इसमें बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो गाइस अब हमारे लिए एक बार हम एक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो यार गाइस हमने लेयरिंग वगैरह कटिंग सब कुछ कर लिया, और अब हम इसकी फटाफट से कर लेते हैं आइसिंग।
और फिर दिखाते हैं आपको इसमें कौन सा डिज़ाइन डालने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, किस तरह ये दिखाते हैं आपको। तो बने रहे हमारे साथ पूरी वीडियो में। तो अब आपको बताता हूँ मैं, स्ट्रॉबेरी वाला साइड मैंने ये बेस पे थोड़ा सा कट लगा दिया, तो हमारा ये वाला साइड है जो स्ट्रॉबेरी है आधा और आधा पाइनएप्पल है। तो हम इसको अब स्ट्रॉबेरी जेली ले आते हैं। ये रही हमारी स्ट्रॉबेरी जेली जो डेल्टा कंपनी की है। दो जेली काफ़ी बेस्ट होती है, स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी, ये कोई भी जेलियाँ लो आप, डेल्टा या रिच, दो कंपनियों की। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो ये साइड है हमारा, ये हाफ पूरा। इस तरीके से पूरा अभी हम इसमें हेड वाला डिज़ाइन भी डालने वाले हैं, तो देखना किस तरह करते हैं हम, वो वीडियो में बने रहना, तभी पता चलेगा आप लोगों को भी। जेली डाल दी हमने काफ़ी सारी, कौन सा? अबे हमने ले लिया वाइट ग्लेज। अगर वाइट ग्लेज नहीं है आपके पास तो आप इसमें क्रीम से भी कर सकते हैं, क्रीम में थोड़ी सी जेली वगैरह मिला के, न्यूट्रल ग्लेज मिला के। मेरे पास वाइट ग्लेज है तो मैं वाइट ग्लेज मिला रहा हूँ, नहीं तो आप किसी और कलर के भी कर सकते हैं। अब आपको एक इस तरह लंबे धागे की ज़रूरत होगी, ये देखिए इस तरीके से इसको डाल दीजिए इसमें।
अपना धागा डाल दिया और इसको आप इजीली इस तरीके से खुल जाने देते हैं, यहाँ तक खुल जाए। देखिए खुल चुका है और थोड़ा सा और लगा लेते हैं, कम लगता है तेज। और ये कोने पकड़ लीजिए और यहाँ से इसको रखना स्टार्ट कीजिए इस तरीके से। देखिए बस आपने टेढ़ा मेढ़ा इस तरह डालते रहना है इसको। और फिर हल्के हाथ से इसको खींच लेना है। देख पा रहे होंगे काफ़ी सुंदर एक थ्रेड का डिज़ाइन आपके सामने बन के रेडी हो गया। तो अब आती है बार इसमें फ्लावर वगैरह किस तरह डेकोरेट करेंगे तो वो भी दिखाते हैं आपको। तब तक के लिए केक को रख देते हैं यहाँ पे। तो अब फ्लावर बनाने वाले हैं हम 4 नंबर नोजल से और ये है सनफ्लावर का ब्लू कलर और वाइट, दो कलर मिक्स करके। वाइट तो क्रीम है हमारी और ब्लू। तो टर्न टेबल में फ्लावर बनाने के लिए आपने सिंपली छोटे वाले कोने को ऊपर करना है बड़े और इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ऊपर। और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से फ्लावर भी लगा लेते हैं सारे। तो केक आप लाइक काफ़ी कम करते, लाइक किया करो। और 30K सब्सक्राइबर भी हो गए, 50K करवा दो जल्दी। तो फिर मिलते हैं आपको बना दो।